बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ये हुक्मरान अब उन्होंने अपनी आज अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे डॉन लीक्स 2 के हवाले से। एक खबर आज डॉन में आई है जिसको हुकूमत ने मुस्तरद किया है, सीपैक के हवाले से खबर है। खबर क्या है और क्यों मुस्तरद किया गया, इस पर तफसीलन बात होगी। इसके अलावा बात करेंगे कि इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है दहशतगर्द कुलभूषण यादव को बचाने के लिए। आज इस हवाले से आलमी अदालत में पहली समाअत थी, पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अपना मौकिफ रखा है, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले एक अहम डेवलपमेंट पे बात करते हैं जो कि इस वीकेंड पर हुई है। पिछले हफ्ते हमने ये प्रोग्राम किया था और हमने डिस्कस किया था कि बैरिया इनक्लेव में जो हादसा पेश आया था एआरवाई जिंदगी में, उसके बाद किसी ने उस खबर को उठाया नहीं, मीडिया ने भी नहीं उठाया। हमने अपने प्रोग्राम में बात की, जो विक्टम्स थे उनको अपने शो पर बुलाया और हमारे ही प्रोग्राम में शहरयार खान जो कि विक्टम था उस हादसे का, उसने अपील की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस केस में इस हादसे का सू मोटो ले। और इस वीकेंड पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने सू मोटो लिया है और आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट भी तलब की है। क्या गुफ्तगु हुई थी हमारे प्रोग्राम में, सुनिए जरा। जहां पर ये इवेंट हो रहा था वो लोग भी एक्शन लें और इनको कॉम्पनसेट करें, प्रॉपर इनका ख्याल करें जो इसमें जख्मी हुए थे। चीफ जस्टिस से ये अपील करना चाहूंगा कि इसका सू मोटो एक्शन लें, इसका खुद नोटिस लें। उसको नोटिस ले लिया गया है लेकिन जो रिपोर्ट आईजी इस्लामाबाद ने तैयार की है उस पर तहफुजात हैं उन विक्टिम्स के जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह खत भी लिखा है कि जो उनका मौकिफ है वो भी उसमें शामिल किया जाए। जब अदालत की हियरिंग होगी और ये मौकिफ जो आईजी इस्लामाबाद का है, जो रिपोर्ट जब सबमिट होगी तो उस पर हम तफसीलन भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल के वाकये की। पीएसपी का मिलियन मार्च था पुरआ, लेकिन जैसे ही वो मार्च आयशा भवानी स्कूल और एफटीसी के करीब पहुंचा तो सिंध हुकूमत की तरफ से पीएसपी के मिलियन मार्च पर क्रैक डाउन हुआ। वहां पर जो है उनके ऊपर वाटर कैनन भी चलाया गया, इसके अलावा टेयर गैसिंग भी हुई। इसकी नौबत क्यों आई, एक पुरअमन एहतजाज को क्यों सिंध हुकूमत ने इस तरीके से रोकने की कोशिश की, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताते चलें कि जो लीडर्स थे पीएसपी के उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मुस्तफ़ा कमाल साहब को, रजा हारून साहब को, इन तमाम शख्सियात को जो है गिरफ्तार किया गया था और बाद में छोड़ भी दिया। जब छोड़ा तो उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि हमारा एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 24 से 48 घंटे में अगला लाए अमल देंगे। ये हुक्मरान अब उन्होंने अपनी आज अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। मेरे बच्चों के हुकूक देने पड़ेंगे, नहीं हटेंगे हम 16 पॉइंट से पीछे। फैल गया अब ये मैसेज, अब ये एहतजाज गली गली जाएगा और मैं आइंदा 24 से 48 घंटों में अगले लाए अमल का ऐलान करूंगा। जरदारी एंड कंपनी के हाथ में गिरवी रख दिया सिंध को। इस पर हम बात करेंगे। पीएसपी के रहनुमा वसीम आफ्ताब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब हमारे साथ होंगे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन आगाज करेंगे अपने रिपोर्टर फयाज यूनुस से जो कि ऑन द स्पॉट मौजूद थे। फयाज, पूरा मन एहतजाज था, बताइए कि ये क्रैकडाउन की नौबत क्यों आई पीएसपी के मिलियन मार्च पर? देखिए, क्रैकडाउन का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि पीएसपी की जानिब से 3 दफा मुजाकरात किए गए थे, 2 दफा पुलिस और 1 दफा पीपल्स पार्टी के हुक्काम से। तीनों दफा मुजाकरात नाकाम हुए, पीएसपी की जानिब से कहा गया कि हमें कुछ फासले पर आगे आने दिया जाए, लेकिन पुलिस और कमिश्नर कराची से जो इनके मुजाकरात हुए थे वो तय पाया था कि पीएसपी जो अपना एहतजाज करेगी वो एफटीसी पुल पर करेगी। लेकिन ये जैसी आयशा भवानी से थोड़ा सा आगे है तो पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, खवातीन बच्चे भी पीएसपी के एहतजाज में मौजूद थे, 200 के करीब शेल फायर किए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और तादाद पीएसपी की जानिब से जो लाई गई थी उसको मुंतशिर करने में हमने देखा कि पुलिस बहुत हद तक कामयाब हुई। कितनी नफरी थी, आपने कहा 200 टेयर गैसेस फायर किए गए, नफरी कितनी थी पुलिस की जो मुंतशिर करने में इन लोगों को वहां पर कामयाब हो गई,
और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, कितनी तादाद में वहां पर मौजूद थे वो? देखिए अगर बात करें पीएसपी के जो लोग हैं, पुलिस कहती है उनकी तादाद 4 से 5 हजार, जबकि जो आजाद लोग हैं वो बोलते हैं 7 हजार के करीब पीएसपी के कारकुनान मौजूद थे। पुलिस के 400 के करीब एहलकार थे। साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन की नफरी को तलब किया गया था। 2 मुख्तलिफ रूट से शेल फायर किए गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से 30 मिनट के अंदर पीएसपी का जो तमाम तर जो रैली थी, जो मिलियन मार्च था, उसको पुलिस जो है मुंतशिर करने में कामयाब रही। गिरफ्तारियों का सिलसिला बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर दिया। सबसे पहले रजा हारून और उनके साथ दीगर जो डॉक्टर सगीर और दीगर रहनुमा थे उनको गिरफ्तार किया गया, और कुछ देर बाद जो है मुस्तफा कमाल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद तमाम तर कारकुनान वहां से मुंतशिर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज यूनुस देने के लिए। मुर्तजा वहाब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इससे पहले प्रेस क्लब के बाहर 18 दिन का एहतजाज किया है, रैलीज निकाली है, पुरअमन रही है पीएसपी, मेरे ख्याल से इसकी गवाही आप भी देंगे। कल क्या जरूरत पड़ी थी सिंध हुकूमत को उनका एक पुरअमन मिलियन मार्च था उस पर क्रैकडाउन करने की? हर सियासी जमात का ये हक है कि वो प्रोटेस्ट करे, पब्लिक को मोबिलाइज करे। इस चीज़ से सिंध हुकूमत को ना कभी इशू रहा है और ना कल इशू था। ये जो 14 मई की इनकी रैली थी, इसके लिए परमिशन उन्होंने अप्लाई किया था कमिश्नर कराची को 12 मई को। 13 मई को इस दरख्वास्त के ऊपर परमिशन ग्रांट की गई, और वो अगर आप परमिशन देखें जो कि सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, वो बड़ा क्लियरली कहती है कि देखी मिलियन मार्च को निकालने की इजाज़त आपको कारसाज से एफटीसी तक होगी। आप देखिए कि कारसाज से लेके एफटीसी तक ये लोग आए, ना कोई बैरिकेड्स लगाए गए, ना कोई बैरियर्स लगाए गए, ना पुलिस ने इनको रोका, ना कोई और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई। इशू तब हुआ जब इन्होंने एफटीसी को क्रॉस करके गोरा कब्रिस्तान के सामने तक पहुंच गए। वहां पर आके इन्होंने पुलिस ने इनको रोका और उनको दरख्वास्त की कि आपकी परमिशन चूंकि एफटीसी पर ख़त्म होती है, आप इससे तजावुज़ नहीं कर सकते, इस तक इससे आगे जाने की आपको इजाज़त हम नहीं दे सकते। पहले मरहले में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे इनकी गुफ्तगू हुई, इन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की, उसके बाद आला सियासी क़यादत भी इन्वॉल्व हुई। मैं ख़ुद वहाँ पेश हुआ सिकंदर मेंद्रो साहब और दीगर रहनुमाओं के साथ, और वहाँ पर हमारी रजा हारून साहब से, वसीम आफ्ताब साहब से, डॉक्टर सगीर साहब से बात हुई, और हमने उनको बताया कि देखिए जहाँ तक आपकी परमिशन थी आप वहाँ तक आ चुके हैं, आप इससे आगे नहीं जा सकते। ये बार बार इनका मुर्तजा वहाब साहब मुझे एक बात बताइए, रेड जोन को पहले भी गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज हुए हैं, हम सीएम हाउस के बाहर एहतजाज हुए हैं, गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज हुए हैं, अगर ये औरतें बच्चे वहां पर जा रहे थे एहतजाज करने के लिए तो कोई हर्ज तो नहीं था इसमें? औरतों बच्चों पे, फैमिलीज पे शेलिंग करने की, वाटर कैनन इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए शहजाद साहब, ये लोग 18 रोज प्रेस क्लब के बाहर बैठे, कहीं पे इन्होंने उस एरिया जो परमिटेड स्पेस थी उससे तजावुज नहीं किया, सिंध हुकूमत ने इनको बिल्कुल फैसिलिटेट किया। इशू यहाँ पे आता है कि इन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया, वो परमिशन इनको एफटीसी पुल तक की मिली थी। आप ये बताइए कि अगर परमिशन किसी चीज़ की आपको दी गई है, आर यू बाउंड टू फॉलो दैट परमिशन और आर यू अलाउड टू टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स? इशू ये था, जब सर कानून को आप वायलेट करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। सर तो फिर कानून अगर वायलेट होता है तो फिर उसकी सजा भी होती है। आप लोगों ने तो अगर लीडर्स को गिरफ्तार किया था तो छोड़ भी दिया, फिर करने के लिए की थी। वसीम साहब वो कह रहे हैं कि आपने एग्री किया था कि कारसाज से सिर्फ एफटीसी तक आपका मिलियन मार्च होगा और तब तक आपने, आपको किसी ने नहीं रोका, आपका जो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज था वहां पर भी किसी ने आपको हाथ नहीं लगाया, आप लोगों ने मुआहदे की, कानून की खिलाफ वर्जी की, इसीलिए सिंध हुकूमत ने क्रैक डाउन किया है पीएसपी के मिलियन मार्च पर? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखें मुर्तजा वहाब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इनसे, आप इनसे हल्फिया पूछें कि जब ये वहाँ मुज़ाकरात के लिए आए थे हमने इनसे क्या बात की थी, और अभी जिस जगह हम मौजूद थे यहाँ से तो रैली स्टार्ट हुई है। अच्छा इनकी बात को मान लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, यहीं तक की परमिशन थी ये रैली, आप अगर उसकी फुटेज उठा के देख लें तो ये रैली तो अभी एक कदम भी आगे बढ़ी नहीं है, ये मुज़ाकरात करके गए, हमने इनको कहा कि ये हमारी चीज़ें हैं, इन्होंने कहा अच्छा हम वहाँ पे जा रहे हैं, हम आपको भी थोड़ी देर में बताते हैं, और इसके थोड़ी देर के बाद हम इनका वेट कर रहे हैं कि ये हमें भी बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा। हमने कहा कि हम रेड जोन में इंटर नहीं होंगे, हम रेड जोन स्टार्ट हो रहा है मेट्रोपोल से, हम तो उससे बहुत पहले हैं, हम तो आयशा ये एफटीसी के पास खड़े हुए हैं। आप बताइए कि 70 साल के बाद ये शहर जो 70% रेवेन्यू देता है उसके लोग पानी मांग रहे हैं, वहाँ पे बच्चे, खवातीन, हम इनको, ये इनको मैंने बोला है
कि हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए, हम एक पत्थर नहीं चलाएंगे, गमला नहीं तोड़ेंगे, जिस तरह 18 दिन प्रेस क्लब पे पुरमन बैठे, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। आप बिल्कुल इत्मीनान से चाहिए और बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। और इसके बाद आप ये कर रहे हैं कि ना आप ये देख रहे हैं ना वार्निंग दे रहे हैं कि भाई हम शैलिंग शुरू कर रहे हैं, आप बच्चों को खवातीन को हटा दें, आपने ज़रा सा लिहाज नहीं किया। आप कहते हैं कि आप जमहूरी जमात है, आपके जमहूरियत की बड़ी कुर्बानी है। यार किधर जमहूरियत है आपके अंदर यार? आपने तो इतना सा भी लिहाज नहीं किया कि यार ये छोटे छोटे बच्चे इनके साथ खवातीन हैं, हम कोई वार्निंग देते कि भाई अब हटा लीजिए, हम शैलिंग करेंगे, चलो भाई ठीक है, आपकी राइट है, आपकी चूँकि आपके पास अख्तियार आते हैं, आप मुख्तार कुल हैं इस वक्त, आप जो दिल चाह करें, आप अरबों खरबों रुपए खा गई पीपल्स पार्टी 5 साल के अंदर, 700 अरब रुपए एजुकेशन हेल्थ पर कह रहे हैं खर्च कर दिए, या 7 स्कूल और 7 क्लिनिक नहीं होंगी सिंध में दिखाने के लिए कराची से कश्मीर। वसीम साहब मैं ये पूछ लेता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप उसी जगह पर मौजूद थे, इनके जवाब का इंतजार कर रहे थे, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़े थे उस जगह से जहां तक कि आपके पास परमिशन थी, और फिर भी आप पे जो है धावा बोल दिया गया। यार शहजाद भाई देखें, कल का मैं कह रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें किसी बंद कमरे में हुई भी होती ना तो बिल्कुल आप कहते हैं बिल्कुल कि हमने गलत, कल तो पूरा मीडिया वहाँ पर मौजूद था यार, हम तो वहाँ पर मौजूद रहे हैं। आप ये बताइए कि इन्होंने यहाँ पे पुलिस की पहली फर्स्ट ईयर खड़ी की थी क्या, उससे वो तो हम तो वहाँ तक भी नहीं पहुँचे यार, मीडिया की गाड़ियाँ हमारे आगे खड़ी हुई थी, पूरा पाकिस्तान का मीडिया वहाँ मौजूद था। आप बताइए, हम तो हिले ही नहीं है वहाँ से यार। अगर हम ये कहते मैं पूछ लेता हूं मुर्तजा साहब से, कल तो जुल्म और ज्यादती हुई है। मुर्तजा साहब वो कह रहे हैं वो तो जवाब का इंतजार कर रहे थे, आगे बढ़े नहीं, फिर भी क्रैकडाउन हो गया, ना कोई वार्निंग दी कि बच्चे और बच्चियां वहां पर मौजूद थे, उनका भी लिहाज नहीं किया गया, ये किस किस्म की जमहूरियत है? और अब क्या इस मामले को मजीद तूल नहीं मिलेगी, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब कह रहे थे कि ताबूत की आखिरी कील साबित होगा ये क्रैकडाउन, और अगले 24 से 48 घंटे में वो अपना लाइमल पेश करेंगे। अब देखिए शहजाद साहब, तजावुज़ वो जो वीडियोज़ अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको उसी से नज़र आ जाएगा कि एफटीसी और गोरा कब्रिस्तान आयशा भवानी स्कूल के दरमियान कितना डिस्टेंस है। ये खुद कोई तकरीबन 400 मीटर का डिस्टेंस है, ये तजावुज़ कर गए थे। बट चलें इसको साइड में रखते हैं, इनके इशूज़ के ऊपर आते हैं। वसीम साहब ने उन नेगोसिएशन की बात की, इनका पहला डिमांड है कि कराची के लिए जो पानी की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। ये कहते हैं K4 के ऊपर तेज़ी से काम किया जाए। हमने वज़ीर आला साहब के बिहाफ पे इनको इन्फॉर्म किया कल वहाँ धरने पे कि K4 फेज़ 1 के ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है, और इंशाल्लाह 30 जून 2018 तक K4 फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा, और FW ने इस बात की हमको कंफर्मेशन दी हुई है। ये बार बार कहते हैं कि आप फेज़ 2 के ऊपर काम पहले स्टार्ट कीजिए, हमने इस बात पर भी इनको यकीन दहानी कराई कि K4 फेज़ 1 ख़त्म होने से पहले हम फेज़ 2 के ऊपर काम शुरू कर देंगे, और अगेन वो काम FWO के थ्रू होगा। ये कहते हैं कि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर काम नहीं हुआ। इस वक्त शहजाद साहब आप प्लीज़ इंडिपेंडेंटली जाके चेक कीजिए कि कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 डिफरेंट जगहों पे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर काम अमली तौर पर स्टार्ट हो चुका है। आप इंशाल्लाह देखेंगे किस तरीके से वो पाए तकमील तक पहुँचता है। ये कहते हैं बार बार कि अच्छा, इसमें एक तो ये कि K4 हो, सालों साल से मंसूबा चल रहा है, काबिशों से हुआ, कचरे का मसला हो, सालों साल से चल रहा है, शामिल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी बहुत देर से ख्याल आया है। मुर्तजा साहब कम से कम इस बात को तस्लीम करें, तारिक रोड पे, ड्रिंक रोड पे 2-3 सड़कें बना देने से तो काम नहीं चलेगा। कराची सर्कुलर रेलवे जिसके तहत इंशाल्लाह सितंबर 2017 में कराची सर्कुलर रेलवे पे काम स्टार्ट होना है। जितने आपकी डिमांड से, लेकिन देखे ना वसीम साहब वो कह रहे हैं कि वक्त लगता है चीजों में, धरना दे रहे, आप लोगों को अश्योरिटी उन्होंने दे दी है कि किस तरीके से अश्योरिटी आपको दे दी गई है, रोड पे काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी रोड में काम हो रहा है। मुर्तजा साहब अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, मैं वसीम आफ्ताब साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ जी। वसीम आफ्ताब साहब वो कह रहे हैं अश्योरिटी आपको दे दी है, काम भी तेजी से शुरू हो गया है, तो आपको भी थोड़ा सा तहम्मुल से अब इंतजार करना पड़ेगा कि वो जो वादे किए उन्होंने कि हम अब डिलीवर कर रहे हैं, उसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं आप नहीं करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे, आप अगला लाइमल देंगे 24 घंटे में, तो आप क्या PSP कर सकती है, क्योंकि आपने एहतजाज भी किया, धरना भी दिया, मिलियन मार्च भी आपने निकाल लिया, अब क्या करेगी PSP? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हम जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं वो मुर्तजा अपनी बातों से खुद प्रूफ कर रहे हैं कि हम एक पुरमन एहतजाज पे बैठे थे, जो बात इन्होंने लॉजिकली की हमने उसको बिल्कुल कहा कि अच्छी बात है और हम इसी पे ही करेंगे, हम कहीं किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं खड़े हुए हैं।
आप मुर्तजा हम सबको मर के जाना है, आप ये बताइए क्या हमने क्या ये कहा था कि हम आपकी बातें नहीं मान रहे हैं? हमने कहा हम इसको एक अच्छे लॉजिकल कंक्लूजन एंड पे ले जाके इसको, ताकि किसी के लिए प्रॉब्लम ना हो, हम तो खुद चाह रहे हैं। लेकिन आप अगर ये आप वहाँ से यही कह के गए थे हम आपको बता रहे हैं, हमने कहा था कि मेट्रोपोल पे मिलते हैं और मेट्रोपोल पे मिलते हैं इंशाल्लाह इसको अच्छा करेंगे। आप बिल्कुल थोड़ा सा आगे आ जाएं, मेरे पास वक्त कम रह गया, अगला लाइव क्या होगा? मैं एक मिनट सर देखें, बात सुने, अगर 70 साल के बाद ये शहर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और हम अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो हम पर लाठी गोली बरसाई जा रही है, हम पुरमन ही रहेंगे। कल भी हमने पुरमन रहे, गोलियां चली हैं, शैलिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, पकड़े गए, बच्चे जख्मी हुए हैं, औरतें जख्मी हुई हैं, लीडरशिप जख्मी हुई, लेकिन एक पत्थर नहीं चलाया। पुरमन रहेंगे लेकिन आवाज बुलंद करते रहेंगे, सदा एहतजाज लगाते रहेंगे, पूरे सिंध को बेदार करेंगे। मुझे बताएं कि आप समझते हैं ये कामयाब एहतजाज था, क्योंकि नाम तो आपने दिया था इसको मिलियन मार्च। पुलिस के जराए बता रहे थे कि वहां पे 5,000 लोग थे, मतलब मिलियन और 5,000 में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो आपके ख्याल में कामयाब था ये आपका एहतजाज कल का? देखिए मैं कहता हूं, अगर एक भी आदमी खड़ा हुआ था और इस एक आदमी के खड़े होने से हुकूमत वक्त इतनी परेशान हो जाए, जब आप भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी तो धरने हुए हैं सीएम हाउस पे, गवर्नर हाउस पर, कुछ नहीं हुआ, तो यानी कि ये एक आदमी जो खड़ा हुआ है, तो अगर इससे खौफजदा है हुकूमत, तो मैं समझता हूँ कि ये तारीख का सबसे कामयाब तरीन मार्च था, ये एक आदमी। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा अगर आपसे, क्योंकि आपसे मुझे सियासी ताकत का मुजाहरा करना था, आपने अवामी इशू पे लोगों को निकालना था, जेन्युइन इश्यूज थे, तो आपके साथ में लोग उस तरीके से निकले या नहीं निकले आपके इस रैली में? मैं शहजाद में ये कह रहा हूँ कि हम हद से ज्यादा कामयाब हो गए, अगर हमने हुकूमत वक्त को उसकी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। वो जो जमहूरियत के नारे लगाते थे उनके चेहरे से वो नकाब उतार दिया कि ये जमहूरी नहीं है, बल्कि ये एक आमराना सोच है। लास्ट कॉमेंट मुर्तजा साहब। शहजाद साहब देखिए, हर चीज का हल तलाश करना चाहिए। मैं आज आपके तवसुत से फिर इस चीज को ऑफर करता हूँ कि पीएसपी अपनी एक आला सतह की कमेटी बना ले, सिंध हुकूमत अपनी एक कमेटी बनाती है, लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय कराची। इस तरह सियासी इश्यूज को बहुत शुक्रिया वहाब साहब, वसीम आफ्ताब साहब। पीपल्स पार्टी पिछले 9 साल से इक्तदार में है सिंध में, इससे पहले इक्तदार में रह चुकी है और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि कमेटीज बना ली जाए और सोल्यूशन तलाश करते हैं। 9 साल से क्या कर रहे थे? पानी का मसला जेन्युइन है, कचरे का मसला जेन्युइन है, ये कराची के इश्यूज हैं, डेवलपमेंट नहीं होती, ये पूरा पाकिस्तान कहता है, सिंध हुकूमत कहती है, कमेटी बना लें, हम मिलकर हल तलाश करेंगे। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद बात होगी जासूस दहशतगर्द कुलभूषण यादव को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है भारत, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी भरपूर किस्म का जवाब दिया गया आलमी अदालत में, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। भारतीय जासूस, भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को बचाने के लिए इंडिया ने रुजू किया है आलमी अदालत से और पाकिस्तान ने आलमी अदालत में जाकर अपना मौकिफ दिया है कि आलमी अदालत के पास ये केस सुनने का दायरा इख्तियार नहीं है। आज दलाइल हुए जिसका भरपूर किस्म का जवाब दिया गया पाकिस्तानी वकील एडवोकेट खावर कुरैशी की जानिब से। भारतीय जो भी इल्ज़ाम थे उनका जवाब दिया गया। भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि कुलभूषण के खिलाफ मुकदमा वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने जवाब में बताया कि वियना कन्वेंशन की शिकों का इतलाक दहशतगर्दी की सरगर्मियों पे नहीं होता है। पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस की रसाई से इनकार किया। भारत का यह भी कहना था जिस पर पाकिस्तान ने जवाब दिया कि कुलभूषण दहशतगर्द है, काउंसलर रसाई का हकदार नहीं। कुलभूषण का सजाए मौत गैर कानूनी तरीके से सुनाई गई, भारत का इल्जाम, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने बताया कि दहशतगर्दी के ठोस सबूत मौजूद हैं, सजाए मौत जो है वो कानून के मुताबिक सुनाई गई है, उसका अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट भी मौजूद है। कुलभूषण बेगुनाह है, उसके खिलाफ इल्जाम बेबुनियाद है। भारत ने वहां पर अपना मौकिफ दिया जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की साजिश का एतराफ कर चुका है। हम अदालत से इंसाफ चाहते हैं ताकि कुलभूषण को बचाया जाए, भारत का मौकिफ। पाकिस्तान ने कहा कि भारत आलमी अदालत से इंसाफ को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बारे में भारत को आगाह नहीं किया गया। पाकिस्तान पर एक और इल्जाम लगाया जिसके जवाब में पाकिस्तान ने बताया कि भारत को कुलभूषण का पासपोर्ट फराहम किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारत मुकम्मल तौर पर खामोश है कि क्यों एक शख्स ने दूसरे नाम से पासपोर्ट बनाया, इस पर भारत कोई तफसीलात देने के लिए तैयार नहीं है।
कुलभूषण को ईरान से अगवा किया गया, पहले दिन से यह भारत का इल्जाम है, इसको भी मुस्तरद किया पाकिस्तानी वकील ने और बताया कि यह दावा मजाक खेज है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके से पकड़ा है कुलभूषण यादव को और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की सरगर्मियां थी उसमें यह शख्स मुलव्वस था। पाकिस्तान ने कुलभूषण पर आए इल्जाम की कॉपी फराम नहीं की। एक और इल्जाम भारत की तरफ से लगा जिसका जवाब दिया गया कि भारत को तहकीकात की कॉपी फराम की थी लेकिन भारत की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया। लीगल एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं उस पर हम बात करेंगे। फरूख नसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अश्तर औसाफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरूख नसीम साहब, पाकिस्तान ने चैलेंज किया है आलमी अदालत में कि दायरा अख्तियार नहीं है उनके पास ये केस सुनने का, आपका आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको याद होगा 19 अगस्त 1999 को पाकिस्तान का जहाज था जो कि रान ऑफ कश में गिरा दिया गया था इंडिया ने, और पाकिस्तान ने जब उसकी एप्लीकेशन फाइल की ICJ में तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं लिहाजा हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। दूसरी जो ज्यूरिसडिक्शनल जो एस्पेक्ट है वो जब तक डिसाइड नहीं हो सकता तो किसी किस्म का हुक्म इम्तनाई भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये बात ऑब्जेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है जो कि पाकिस्तान के वकील ने रेस किया है। अच्छा ये बताइएगा कि आलमी अदालत में अगर ये केस शुरू हो जाता है लेट्स सपोज, तो क्या आलमी अदालत का जो फैसला होता है फिर वो पाकिस्तान पर बाइंडिंग होगा या नहीं? देखिए इंटरनेशनल कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो उस तरह तो बाइंडिंग नहीं होते जैसे म्यूनिसिपल यानी नेशनल कोर्ट्स के होते हैं, लेकिन उसकी एक मॉरल वैल्यू ज़रूर होती है कि पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में शुमार किया जाता है। तो जो भी फैसले जो होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेम्बर स्टेट्स के लिए तो मेम्बर स्टेट्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसकी कोई उस तरह की बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है जो म्यूनिसिपल कोर्ट्स में होती है। पाकिस्तान की लीगल टीम ने जो जवाबात आज दिए हैं इंडिया के इल्जाम पर, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान ने जो दायरा अख्तियार का सवाल उठाया है उसमें हम कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह ताला, ये सब के सब तैयारी जो है वो पाकिस्तान में ही हुई, यहीं पे बैठ के हमने सारे मामलात को देखा, कागजात को हमने बगौर मुताला किया। और आप देखिए एक तो बहुत आपको बताता चलूं कि बहुत कम वक्त था हमारे पास रिस्पॉन्ड करने के लिए, और हमारे पास चॉइस थी कि हम वहाँ पे उनसे कहते कि इसको पोस्टपोन करते हैं, लेकिन उससे फिर ये इस तरह का इम्प्रेशन होता है जिस तरह पाकिस्तान जो है वो तैयार नहीं है अपना मौकफ देने के लिए, या उसके अंदर कोई तसाहल कर रहा है या उसको लंबा लटकाने की बात कर रहा है। बात यह है कि जो मौकफ हमने किया है वो तीनों चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ठोस है। पहली बात लीगल, और जिस तरह फरूख नसीम साहब ने कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हिंदुस्तान ने खुद कहा था कि जो है इस अदालत को इख्तियार नहीं है सुनने का क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के सारे मामला। दूसरा हमने फैक्चुअली ये बताया कि 2008 में हमने वियना कन्वेंशन के जो है उसके अंदर हमने रिजर्वेशन रखी, और तीसरा मार्च में भी हमने जो उसकी जनरल ज्यूरिस्डिक्शन है उसके ऊपर भी हमने कहा सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर हम जो है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को नहीं मानते। और ये भी बात जो है ये हमने वहां पे बताई कि एक जासूस जो है उसको जो मुल्क भेजे उस तक रसाई लेना एक बहुत ही मजाक खेज बात हो जाएगी ना, कि वो इस तरीके से हो कि वो उसकी एयानत भी कर सके। तो ये अश्तर औसाफ साहब ये फरमाइएगा कि फिलहाल क्या कुलभूषण यादव की फांसी पर स्टे दिया है या सिर्फ दरख्वास्त की है स्टे की, क्या है कानूनी इस वक्त इसका स्टेटस? उनका ये कहना था कि 18 तारीख तक हो सकता है कि उसको फांसी दे दी जाए, लेकिन ये झूठ है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी और बहुत से मराहल हैं जिन मराहल से गुजर के वो एक्सीक्यूशन की तरफ जाएगा, और मैं देख रहा हूँ कि ये मामला जो है ये अगस्त तक जाएगा। ये इन्होंने झूठ बात की, और हमने इनको बताया कोर्ट को कि ये भारतीय जो है ये झूठे लोग हैं, ये बारहा झूठ बोलते हैं और अदालत के सामने भी झूठ बोल रहे हैं। सही, आज ये दलाइल दिए गए कि हंगामी बुनियाद पर कुछ नहीं होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया
अश्तर औसाफ साहब और फरूक नसीम साहब आपने इस हिस्से में ज्वाइन किया, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद हम सीपैक के हवाले से बात करेंगे। आज डॉन अखबार में एक और खबर आई है सीपैक के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ एनर्जी या पावर सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं होगी चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर सेक्टर और दीगर सेक्टर्स में जो है दिलचस्पी चाइना की तरफ से दिखाई गई है। एसएन इकबाल साहब ने इसको डॉन लीक्स 2 करार दिया है। वो कहते हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसकी बुनियाद पर यह खबर बनाई गई, वो डॉक्यूमेंट्स को हम मुस्तरद करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बेकार हैं। इस पर बात होगी, असद उमर साहब भी हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब अपने वुजरा और चारों सूबों के वुजरा आला के हमरा इस वक्त चाइना में मौजूद हैं वन बेल्ट वन रोड समिट के लिए। कल बहुत ही मुस्बत पैगाम दिया है नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि सीपैक मंसूबा जो कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, ये किसी एक मुल्क का या सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का मंसूबा नहीं है, खित्ते में तमाम ममालिक का ये मंसूबा है। और उन्होंने कहा कि इस इशू पर सीपैक पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी जमातें उनके तहफुजात रहे हैं सीपैक को लेकर, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। एक जो बड़ा मामला था वो वेस्टर्न और ईस्टर्न रूट को लेकर था, और उसकी भी वजह यह है कि शफाफियत नहीं थी, पता नहीं था कि कौन सा रूट बनेगा, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आएगी, किस किस शोबे में इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी। आज डॉन में एक और खबर आई है जिसमें बताया गया है कि सीपैक का मास्टर प्लान क्या है। इस खबर में बताया गया है कि जो दो इदारे हैं चाइना के, जिसमें एनडीआरसी है, नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन, और चाइनीज डेवलपमेंट बैंक, उनका क्या है पाकिस्तान को लेकर अगले 15 सालों में। यह खबर जो के डॉन में आ जाइए, उसमें बताया गया है कि पहली मर्तबा यह इंकशाफ हुआ है कि चाइना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर या एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करने आ रहा, कई और शोबे हैं जिसमें चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा। मिसाल के तौर पर जरई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी चाइना की, जहां पर उनको हजारों एकड़ जमीन जो है वो लीज पे दी जाएगी, जहां पर वो अपनी फार्मिंग करेंगे। सनती सेक्टर में कई ऐसी सनतें हैं जिसमें चाइना जो है अपनी दिलचस्पी रखता है, खासतौर पर चमकीली धात, हीरे और मार्बल को निकालना, या फिर टेक्सटाइल, सीमेंट, लोहे, इन तमाम सेक्टर्स में जो है चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। फाइबर ऑप्टिक्स और निगरानी का निजाम भी होगा, जिसमें कराची से लेकर पिशावर तक 24 घंटे जो है वो वीडियो कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। और इसके अलावा सियाहत के शोबे में भी जो है चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा, केटी बंदर से जिवानी तक जो साइली पट्टी है वहां पर सियाहत का इंतजाम जो है वो किया जाएगा। और ये भी गौर जेरे गौर किया जाएगा कि पाकिस्तान में जो चीनी सियाह आएंगे उनके जो वीजे फ्री पॉलिसी उनको दी जाएगी। तो ये तमाम इंकशाफात पहली मर्तबा हुए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से, एहसन इकबाल साहब की तरफ से इस खबर को मुस्तरद किया गया है और कहा है कि ये डॉन लीक्स 2 है। उन्होंने आज अपने ट्वीट में ये बताया कि डॉन लीक्स 2 पर मैं हैरान हूं, वर्किंग पेपर, सिर्फ वर्किंग पेपर पर मबनी डॉन की खान की खबर में हकायक को मस्क किया गया है, फैला कर सीपैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट था ये सिर्फ चाइनीज इदारों की राय थी, ये मुत्तफिका डॉक्यूमेंट नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसको मुस्तरद करते हैं और इस खबर को शाया करने से पहले प्लानिंग कमीशन का जो है वो मौकिफ लेना जरूरी था। क्या हकीकत है इस पर, जो दूसरी जमातें हैं खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि शुरू में तहफुजात रखती थी, क्या उनके तहफुजात दूर हो चुके हैं, और इस खबर में हकीकत क्या है, क्या खबर दुरुस्त है या प्लानिंग कमीशन का मौकिफ दुरुस्त है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज डॉन में जो खबर आई है, क्या वो खबर दुरुस्त है कि सिर्फ पावर और एनर्जी सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, और कई शोबे हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट होगी चाइना की, खासतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, या जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि वो तो एक वर्किंग पेपर था जो कि अब रिडंडेंट हो चुका है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। देखिए, हो ये रहा है जिस तरीके से सीपैक में शुरू में काम हुआ कि वफाकी हुकूमत काम करती रही, ना पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लिया, ना किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को, ना सूबाई हुकूमतों को, तो उसकी वजह से शकूक व शबात पैदा होते हैं। अभी भी यही हुआ है कि अगर आप वो पढ़ें रिपोर्ट, तो 2 साल से ज़्यादा से चाइना में उस पर ऊपर काम हो रहा था। मार्च के महीने के अंदर ख़त लिखा जाता है इस साल 2017 में सूबाई हुकूमतों को, और उनको 5 दिन दिए जाते हैं कुल कि आप 5 दिन के अंदर इस रिपोर्ट के ऊपर अपने कमेंट्स दे दें, जो लॉन्ग टर्म प्लान है बेसिकली, जो लॉन्ग टर्म प्लान है। हाँ। अच्छा, वो जो प्लान दिया गया है, वो प्लान जो है उसके अंदर कोई तफसीलात मौजूद नहीं है, वो उसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है, नेक ख्वाहिशात का इजहार आप समझ लें, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर, मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ चीज़ें उनकी कमी भी है वहाँ पर, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, वो एक नेक ख्वाहिशात का इजहार है।
लेकिन चाइनीज साइड के ऊपर जो उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है वो रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देखी वो, तो मैंने जो अखबार में पढ़ा मैं उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा हूं कि चाइनीज साइड पे बड़ा इसके ऊपर तफसीली काम हो चुका है, तो वो तैयारी अपनी मुकम्मल कर चुके हैं, हम जो है हमने तैयारी की नहीं है और वही हम दोहराने के लिए जा रहे हैं जो पुराने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हर एक में पाकिस्तान को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। अच्छा साहब ये बताइए कि आप ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑन बोर्ड है, परवेज खटक साहब भी चाइना गए हुए हैं साथ में, तो आप कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म प्लान आपको दिया उसमें तफसीलात नहीं है, आपने वैसे ही ओके कर दिया, वैसे ही उसको अप्रूव कर दिया, क्योंकि ये तो एक हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि चीज को देखे और फिर अप्रूव करे। नहीं ऐसे ही ओके नहीं करती, मैं वही तो बता रहा हूँ ना आपको, जो डॉक्यूमेंट अभी है जिसको हम लॉन्ग टर्म प्लान के 30 सफात पर मुश्तमिल है वो, और जो कि भेजा गया सूबाई हुकूमतों को, उसके अंदर कोई तफसीली प्लान नहीं है, उसके अंदर जैसे मैंने कहा नेक ख्वाहिशात का इजहार है, 5 दिन दिए गए कमेंट करने के लिए, कमेंट्स दे दिए गए, उसके अंदर कोई कमी महसूस की गई। मसलन मैं आपको बता सकता हूं कि उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह लिखा कि आपने खैबर पख्तूनख्वा का टूरिज्म, आप टूरिज्म की बात करें कोस्टल बेल्ट की टूरिज्म की बहुत बात हुई है, अब बीच रिजॉर्ट्स पाकिस्तान में कहां कामयाब होते हैं, असल तो टूरिज्म पाकिस्तान में नॉर्थ में, उसका जिक्र नहीं है आपने किया हुआ, मिनरल्स फाटा और केपी दोनों के लिए बहुत बड़ी चीज है, उसका जिक्र नहीं है, तो इस किस्म की तहफुजात का भी इजहार किया गया। ये चीज लेकिन आपके नॉलेज में थी कि जरई जमीन भी उनको दी जाएगी हजारों एकड़ पर, वो अपनी फार्मिंग करेंगे, ये चीजें क्या आपके लिए पहली मर्तबा सामने आई है या आपको पता था कि ये होने जा रहा है? ये जो तफसीलात है, ये जो रिपोर्ट है, जो 250 सफात की रिपोर्ट जिसको जिसकी तरफ जिसका जिक्र किया गया है इस डॉन की स्टोरी के अंदर, वो सूबाई हुकूमतों के साथ भी नहीं, और मैं जो सीपैक की पार्लियामानी कमेटी है ओवरसाइट की सीपैक की, मैं उसके भी आपको बता सकता हूं हमारे साथ ऐसी कोई चीज नहीं शेयर की गई। तो क्या अब हम एहसन इकबाल साहब की वापसी का इंतजार करें और तब तक यकीन रखें, क्योंकि वो कहते हैं ये सिर्फ चाइना का इनपुट है, ये उनके इदारों की राय है, ऐसा नहीं है कि उसकी राय पर हमने इत्तफाक कर लिया है, हमारा जो एग्रीमेंट कल साइन हुआ है वो इत्तफाक राय से हुआ है, उस पर फोकस करें, ये डॉक्यूमेंट जो है ये पुराने हैं बेकार है। सर ये फिर वही कंट्रोवर्सी, अगर आपको याद हो कि वो वेस्टर्न रूट है या नहीं है, पुराना नक्शा क्या था, शफाफियत का वहां पे भी बड़ा फिर वही मसला आ रहा है। हम बिल्कुल एहसन इकबाल साहब का इंतजार जरूर कर लेंगे, मैं तो सीपेक की जो अगली पार्लियामानी कमेटी है उसके अंदर जाहिर ये इशू रेज करने वाला हूँ कि जो है भाई क्या है वो तफसीलात हमसे शेयर करें ना। एक जो चीज उसमें एहसन इकबाल साहब ने लिखी है वो माजरत के साथ मुझे बिल्कुल उसकी मंतक समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा जाहिर है चाइनीज जब पहले एग्री कर लेंगे तो फिर ही हम तफसीलात बताएंगे। भाई आप खुद ही एहसन इकबाल कह रहे हैं कि चाइना वाले अपनी वर्किंग कर चुके हैं, उन्होंने आपस में तफसीलात शेयर की हैं, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो हमारी जो पाकिस्तान की थिंकिंग है वो तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों के साथ शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो शायद शेयर इसलिए नहीं हो रही है कि है कोई नहीं थिंकिंग, कोई थिंकिंग नहीं इससे शेयर नहीं हो रही। ये मुझे बताइएगा कि एक अब आपने ये भी तनकीद सुनी होगी कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की कॉलोनी बनने जा रहा है और कोई ईस्ट इंडिया से कंपेयर करता है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करता है, क्या इस बात में कोई सदाकत नजर आ रही है? अगर हम हजारों एकड़ जमीन उनको दे देते हैं फार्मिंग के लिए या फाइबर ऑप्टिक्स या निगरानी का निजाम, क्या ऐसा है या ये बेबुनियाद तनकीद है? नहीं देखें ऐसे आपको कोई खौफ के बुनियाद के ऊपर ज्यादा परेशानी पहले से नहीं रहा कर लेनी चाहिए। हम तमाम दुनिया से फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान बुलाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में आती है अच्छी चीज़ है, चाइनीज अगर आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सिर्फ दो चीज़ें जो हैं वो उसका ख्याल रखना है हमने, एक कि ये सारा काम एक शफाफ तरीके से किया जाए, सारे कौम को नजर आए कि ये तरीक़ेकार क्या हो रहा है, ये किस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी ये ना हो कि हम चाइनीज इन्वेस्टर्स को वो मराहत दें जो हम पाकिस्तानी को नहीं दे रहे। यही मेरा सवाल था, अपने मुल्क के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन ना बन जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल पार्क में कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो शोबे हैं जहां पे सीमेंट है, लोहे, चमकीली धात, हीरे, मार्बल एक्सट्रैक्शन, ये तमाम वो शोबे हैं जहां पे चाइना आकर इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर ये बात दुरुस्त है तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका क्या होगा? मैं फिर वही कहूंगा, अगर चाइना आके इन तमाम शोबों में इन्वेस्टमेंट करता है, सरमायाकारी करता है, तो बड़ी अच्छी बात है, खुशायन बात है, हमें इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि चाइनीज इन्वेस्टर्स को वो मराहत दी जा रही है, उनके लिए वो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं जो हम अपने सनतकार, अपने इन्वेस्टर को नहीं कर रहे, ये इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई चाइना की कॉलोनी बनने जा रहे हैं और वो जो है आकर तमाम चीजों पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो असर और रसूख उनका होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ये तो फेयर नहीं है। सर बिल्कुल मेरे ख्याल में इस बात से घबराना नहीं चाहिए, हमें जो परेशानी ये होनी चाहिए कि शहजाद हमने मईशत इस वक्त जहां हमारी जा रही है, जब से ये हुकूमत आई है 40% बैरूनी कर्जे बढ़ गए हैं और 20% एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी आ गई है, ये हमें कर्ज के दलदल में धंसा रहा है। चाइना की इन्वेस्टमेंट से नहीं हम कॉलोनी बनने जा रहे, सही, लेकिन हम अपनी मईशत की कमजोरी की वजह से दूसरों के ऊपर जरूर हमारा इनसार बढ़ता जा रहा है। एक फेयर है वो है सिक्योरिटी का, और इस वीकेंड पर दो हमले हुए, मस्तूंग में हमला हुआ जिसमें 26 अफराद जो है वो जहां भाग हुए, इसके अलावा
जो गवादर में मजदूरों पर हमला हुआ उसमें 10 लोग जो है वहां पे जहां बाग हुए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब मौजूद हैं। सरफराज साहब, क्या ये सिक्योरिटी लैप्स था जिसकी वजह से 10 मजदूर गवादर में जो है वो जहां बाग हुए? क्योंकि बाकायदा सीपैक सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन तैयार किया गया जिसमें गालिबन 8-9 बटालियन है जो कि जिनका काम ही यही है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इन मजदूरों को। देखिए, तो ये बता दो आपको कि ये सीपैक रूट पे मजदूर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जो भी थे पाकिस्तान के मासूम शहरी थे और इनका इस अंडोनाक कत्ल पर और इस दहशतगर्दी की शरीर अल्फाज में जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब जहां तक लैब्स की बात है, देखें, हमने एक इंक्वायरी कमेटी चीफ मिनिस्टर ने बिठाई है, हम उसको इंक्वायर कर रहे हैं। अगर उसमें कोई इस तरह की सिक्योरिटी लैप्स नजर आया, बिल्कुल हम जिम्मेदारों को जिम्मेदार भी ठहराएंगे, आपके साथ उनको शेयर भी करेंगे कि कहाँ किसकी जिम्मेदारी थी, कहाँ कोताही हुई है। सही, क्योंकि अखबारात में तो ये कहा गया था कि बीएलए ने जिम्मेदारी कबूल की है और ये मजदूर जो है वो सीपैक रूट पे काम कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? नहीं, सीपैक रूट पे काम नहीं कर रहे थे, गवादर की एक सीएनडब्ल्यू की रोड बन रही थी, पिशोगान एक इलाका है, वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ये कहाँ काम कर रहे थे। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे मासूम शहरियों को अक्रॉस द बॉर्डर स्टेट पैटर्नेज में लोग बैठ के यहाँ कत्ल कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो एक और इम्पैक्ट आया, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे चाइना में और वो टाइमिंग इस तरह की सिलेक्ट की गई है, तो मैं समझता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि खुदारा ये तासुर ना दिया जाए कि ये बलोचों ने किसी सिंधी को मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं और हम खुदा ना खास्ता किसी एथनिक डिवीजन पे जो एक साजिश है रॉ की या बाकी लोगों की, रॉ फंडेड लश्करों की, कि वो हमें बलोच अकवाम को किसी सिंधी भाई से लड़ा लेंगे, किसी पश्तून से लड़ा लेंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है, हम इस तरह बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये वाकया कहाँ पे पेश आए, किस रूट पर आए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक मैसेज जरूर दिया गया है क्योंकि जिस वक्त एक हाई प्रोफाइल समिट चल रही है जहाँ पे वज़ीरे आला वज़ीर आज़म मौजूद है उसकी उस वक्त ये जो है हमला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।